हेलो दोस्तों, आइए मैं आज आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। एक बहुत ही मजेदार कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी का शीर्षक है कातिल और नाई। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक कातिल जो किसी कत्ल के जुर्म में जेल गया था, 10 सालों की सजा काटने के बाद जेल से बाहर आता है। जब वो जेल से बाहर आता है तो उसके बाल और दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ी होती है, क्योंकि जेल में कोई नाई था नहीं जो दाढ़ी और बाल जो है कातिलों के वहां पे या जो है कैदी है उनके काटे। तो उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि बिल्कुल राक्षस जैसा जो है वो दिखाई देता है। तो वो एक, और क्योंकि वो कातिल था तो वैसे ही वो खतरनाक था, तो वो एक नाई के पास जाता है और कहता है कि नाई देखो, मैं कत्ल के जुर्म में सजा काट करके बाहर आया हूँ और मेरे बाल और दाढ़ी जो है बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो अगर तुम अच्छे से मेरी दाढ़ी और बाल बना दोगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और शर्त ये है कि मेरे चेहरे पे और कहीं भी एक जरा सा भी खरोच या कट का निशान नहीं लगना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और फिर मैं वापस जेल से तुम्हें आया हूं तो मैं जेल चला जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नाई होता है वो डर जाता है और वो मना कर देता है, कहता है जी नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं लूंगा और मैं आपकी हजामत नहीं बना सकता। फिर जो कातिल था वो दूसरी नाई के पास जाता है, अपनी शर्त बताता है कि भाई मैं 10,000 रुपये दूंगा मेरी हजामत बनाने का, लेकिन कोई भी जो है चेहरे पर निशान या कट जो है वो नहीं लगना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दूसरा नाई भी मना कर देता है। ऐसे ही शहर के कई सारे नाई के पास, कई दुकानें, छोटी बड़ी दुकानों पे वो जाता है, लेकिन हर जगह जब वो अपनी शर्त बताता है कि अगर कट लगा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो 10,000 रुपये मिलने के लालच को कोई नहीं देखता है। ये कोई नहीं सोचता कि भाई 10,000 रुपये मिलेंगे, हर कोई यही सोचते हैं कि ये तो जान से मार देगा अगर जरा सा भी गलती हुई तो। तो सब उसको मना कर देते हैं। कई दिन हो जाते हैं, घूमते घूमते भटकते भटकते एक छोटे से कस्बे में वो पहुंचता है। उसको क्योंकि हर जगह वो शर्त ऐसी रख देता है कि कोई उसकी हजामत बनाने को तैयार नहीं होता है। जब वो छोटे कस्बे में पहुंचता है तो एक नाई की दुकान देखता है जहां पे वो जाता है, तो मात्र 17-18 साल का एक लड़का जो है लोगों की हजामत बना रहा होता है। वो उस लड़के के पास जाता है कातिल और कहता है कि मैं एक शहर से आया हूं और बहुत सारे नाइयों के पास गया हूं और मेरी शर्त सुनने के बाद जो है सब मेरी हजामत बनाने से मना कर देते हैं। तो लड़का पूछता है कि आपकी शर्त क्या है। वो कहता है मैं कातिल हूं और मैं सजा काट करके 10 साल बाद जेल से बाहर आया हूं, इसलिए मेरे दाढ़ी और बाल बहुत ज्यादा बढ़े हैं। मेरी शर्त ये है कि अगर बिना जो है कोई भी चेहरे पर कट या घाव हुए, तुमने अच्छे से शेविंग कर दी, तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाए, जरा सा भी मुझे खरोच या कट लगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वो लड़का था कहता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हजामत बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा, बैठिए। और वो लड़का जो है बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से उस कातिल की जो है बिना कोई कट लगे वो जो है उसकी हजामत बना देता है। जब हजामत बन जाती है तब कातिल उससे पूछता है, कर एक बात बताओ, मैं बहुत सारे नाइयों के पास गया था, ऐसे ऐसे नाई थे जो 10 साल 15 साल 20 साल से हजामत का काम कर रहे थे, उनके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो कॉन्फिडेंस से ये काम कर सके कि भाई बिना कट लगाए हम जो है हजामत बना देंगे, और वो डर जाते थे। तो तुम मेरी हजामत बनाने के लिए क्यों तैयार हो गए? क्या तुम्हें 10,000 रुपये का लालच था या तुम्हें जिंदगी का डर नहीं है? तो जो जवाब वो नाई देता है वो जवाब सुनने के बाद कातिल के पैर के नीचे से समझिए जमीन खिसक जाती है, वो डर के मारे कांपने लग जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्या होता है, देखिए नाई कहता है कि भाई रिस्क पे मैं तो था ही नहीं, रिस्क पे तो मैं था ही नहीं, जान का रिस्क तो तुम्हारा था, क्योंकि तुमने शर्त रखी थी कि अगर तुम्हारे चेहरे पे कोई कट लगेगा तो तुम मुझे मार दोगे, लेकिन अगर तुम्हारे चेहरे पे कोई कट लगता तो उस तरह मेरे हाथ पे था, मैं उस तरह तुम्हारे गले पे चला देता और तुम मारे जाते, मैं तो मरता ही नहीं। और अब जबकि मैंने तुम्हारी हजामत बिल्कुल सही से बना दी है तो
मुझे तो 10,000 रुपये मिलेंगे, और अगर मैं सही से नहीं बनाता तो जान तुम्हारी जाती। मेरा तो कोई नुकसान किसी भी केस में था ही नहीं, नुकसान और रिस्क दोनों ही जो है तुम्हारा ही था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में मिलता है कि अगर हम रिस्क लेते हैं किसी भी चीज के लिए, तो रिस्क लेकर के हमें जो है बहुत फायदा होता है, या हमें जीवन में रिस्क लेना चाहिए चीजों को समझते हुए, जैसे उस नाई ने लिया था। क्योंकि जहां रिस्क दिख रहा था वहां तो रिस्क था ही नहीं, नाई को कोई रिस्क नहीं था, रिस्क था उस कातिल को, क्योंकि वो नाई के हाथ के नीचे था, वो जब चाहता उस तरह जो है उसके गले पर चला देता और वो जो है वो मारा जाता। और ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से और भी कहानियां हमारे आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। धन्यवाद सुनने के लिए।